अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो अभी आज हम लोगों का प्लान है, क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा है और मेरा और मेरे दोस्त हैं और इन सब का हमने प्लान बनाया है कि आज हम लोग नहाने जा रहे हैं, और वो आपको जगह मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी असल में मैं उस जगह पे गया नहीं हूँ। मेरे दोस्त गए हुए हैं वहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि उस जगह पे हमने जाना है, आज नहाएंगे और वहाँ पे पहुँच के तो मैं आपको वो सारी जगह बताऊंगा, ठीक है, व्यू भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं अपने दोस्त की जानिब, उसका गाड़ी मेरे घर के पास ही है, तो उसके घर जाते हैं, पहले उससे मिलते हैं, वहीं पर सब दोस्त मेरे इकट्ठे होंगे, तो वहीं से हम लोग आगे जाएंगे थोड़ी देर तक। तो अभी मैं चलता हूं अपने दोस्त के घर के, और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अभी मैं जाता हूँ अपने दोस्त के घर और वहाँ से फिर बैठते हैं, वहाँ पे बाकी दोस्त भी हमारे आ रहे हैं, फिर वहीं से हम लोग सारे इकट्ठे होके जाएंगे। तो गाइस पहले मास्क पहन लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है कोरोना भी आजकल है बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। कुछ जगहें जिनको सील कर दिया गया है इस्लामाबाद में, तो अभी मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया हूँ बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौ जी क्या हाल है, ठीक हो? तो ये हमारे भाई हैं, नातिक भाई हैं, ये भी जा रहे हैं हमारे साथ, और अभी दो तीन लड़के हो रहे हैं वो भी आ रहे हैं। और सुनाओ नातिक भाई क्या हाल चाल है, जेब से रब्ता हुआ? क्या कह रहे हैं? अब्दुलरहमान का बाइक इस तरह करते हैं, उसको फ़ोन कर देना ताकि वो उधर आ जाए। सोया हुआ है, फिर यहाँ से किसी को जाना पड़ेगा ना लेने। शानी ने भी मुझे मैसेज किया है, वो कह रहा था कर मैं आ रहा हूँ। तो अच्छा अब्दुलरहमान को ले किया साथ, बाइक लिया। अच्छा नहीं, फिर भी बात सुनना, इस तरह अभी वो तो अपने बाइक में आ रहा है, उसका तो दूसरा लड़का भी तो आ रहा है। अच्छा हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इधर पेट्रोल पंप पे आए, इधर थोड़ा सा ऑयल वगैरह डलवाना है, और ये मेरा बाइक है, आखिरकार मैंने आज बाइक निकाल ही ली है, तो बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद आज निकाला है बाइक। और ये हमारे एक और भाई है नातिक भाई, ये भी हैं, एक हमारे भाई मेरे ख्याल से ओ सामने रुके होंगे, ये सामने देख रहे हैं बाइक जो दो लड़के बैठे हैं, ये है। और अभी इधर से हम लोग ऑयल डलवा रहे हैं। तो गाइस ये देखें, तो नीचे पानी कितने मज़े का लग रहा है, इधर व्यू देखें कितना मज़े का। तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमने स्टेट किया है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, वो सामने आप देख रहे हैं ना, ये समरी डैम है यहाँ पे, और बहुत मज़े का ये पानी देखें, ब्लू 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 पानी लग रहा है, देखें बहुत आला पानी लग रही है। और अभी ये जो भाई है बहुत बोल रहे हैं, इसको मैं इसी पानी में गोते दिलाऊँगा। अभी हम लोग पहुंच गए, अभी आगे रास्ता ये जा रहा है, अभी और आगे जाना है, कोटली सतियाँ वाली साइड जा रहा है रास्ता, और अभी हम लोग इधर पहुंच गए, अभी हम लोग आगे जाएंगे, तो चलें फिर आगे। तो बहुत मज़े का माशाल्लाह व्यू लग रहा है, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पानी लग रहा है।
तो गाइस अभी हम लोग एक और जगह पहुंचे हैं, ये देखें आप यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे वो बकरियाँ फिर रही हैं ना, मैं समझा पता नहीं क्या चीज़ है। तो अच्छा यहाँ पे देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है, पहाड़ियों के ऊपर लोगों ने घर बनाए हुए हैं। और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से ये जो पानी नज़र आ रहा है ना, ये आपको ये यहाँ पे समरी डैम है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग है समरी डैम की। और एक वो सामने अगर आपको पानी नज़र आ रहा हो, ये इस तरफ बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब कि वहाँ से बहुत है, वहाँ से आगे भी काफ़ी जा रहा है पानी। और यहाँ से खैर स्टार्टिंग है इसकी समरी डैम की, और ये बहुत आला जा रहा है। तो गाइस जब हम लोग नहाने की जगह पे पहुँचे, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और मैं ऑन कर रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी, बट वो ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ की वीडियो आगे नहीं बना सका। और हम लोग उसके बाद मैं बिल्कुल भी बहुत परेशान सा हो गया था कि मोबाइल को क्या हुआ, और जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो भी नहीं बना सका। और यह है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ की वीडियो बनाऊँगा जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाएंगे, और फिर मैं आपको वहाँ का सारा व्यू दिखाऊँगा। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो बहुत अच्छा व्यू था, और बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए थे नहाने के लिए, और बहुत ही अच्छा मंजर था वहाँ का। लेकिन ये था कि बदकिस्मती से मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं बन सकी और मेरा व्लॉग वहीं पे रुक गया। और मैं किसी दूसरे के मोबाइल से भी नहीं बना सकता था क्योंकि सबके मोबाइल हैं, लेकिन मैं सलाह मांगता नहीं हूँ किसी से। तो अब जब भी मैं वहाँ पे जाऊँगा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जाऊँगा खैर, और आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाऊँगा, सारा व्लॉग बनाकर आप लोगों को दिखाऊँगा। और ये था कि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वहाँ पे जाऊँगा तो आप लोगों को ना व्यू वहाँ का सारा दिखाऊँगा, अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मैं वहाँ पे किसी से मोबाइल मांगता नहीं हूँ, और इसलिए मैंने मजबूरन मुझे वहाँ पे वीडियो ड्रॉप करनी पड़ी, और उसके बाद मैं आगे वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि मोबाइल में बहुत प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैंने परसों मैं गया हूँ उसी दुकान पे, और मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा इसका डिस्प्ले नहीं शो हो रहा, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका जो है पैनल का मसला है, तो आप पैनल डलवाएं। तो इसलिए मैंने फिर उनको मोबाइल उसी टाइम दिया, और उन्होंने मुझे पैनल डाल के दिया मोबाइल का, और अब माशाल्लाह से मोबाइल ठीक हो।